देखो देखो देखो। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरे साथ हो गए, आज है सावन का पहला दिन और सावन के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 8 और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। यहाँ पे रखी है हमारे गरम गरम चाय, मम्मी वगैरह हम लोग सब बैठे हुए हैं। बाकी यार आज का सीन क्या है कि ना आज है घर पे काम काफी। काम क्या है, आज फाइनली गेट वाले भैया भी आएंगे, गेट वाले आएंगे। पहले वाले तो छोड़ के भाग गए थे जैसे आप लोग जानते हो। आज तो आ गए गेट वाले भैया और आज ना हम घर पे ग्रिल लगवाएंगे। जैसे मेरा ऊपर वाले जीना है ना, तो उस जगह पे क्या हो रहा है कि मतलब जब भी हम चढ़ते हैं ना तो उस जगह थोड़ा डर लगता है कि कभी बच्चे बच्चे कई बार होते हैं तो वो भी गिर ना जाए। तो बस अभी उसी का वेट चल रहा है, थोड़ी देर में आने वाला है, फिर उसके बाद सामान वाल लेके आना है। काम स्टार्ट हो जाएगा फिर आपसे। फाइनली यहाँ पे हमारी रेलिंग लग रही है और ये भैया अभी भी आए हैं। तो बस अभी सारा सामान जैसे यहाँ पे अभी फैला हुआ है। मम्मी है अभी नीचे, मम्मी कह रही थी ना गेट वाले की मतलब जो गेट वाला बंदा है उसके पास गई है शायद। तो अभी मम्मी उससे पूछे कि वो कब तक आएगा, अगर एक साथ आ गया तो फिर थोड़ा सा काम करने में यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ऊपर भी गेट लगना और सामने वाले रूम में भी गेट लगना है। बाकी भैया कब तक हो जाएगा ये कम्प्लीट कब तक होगा? 4-5 दिन तक। अच्छा 4-5 घंटे में। अच्छा आजाद में हो जाएगा काम, आजाद में कर दोगे पूरा? हाँ वैसे भी इतनी सारी है तो है नहीं, यही लगाना है और यहाँ एक यहाँ पे लगवानी है और इस जगह लगवाना है। बाकी चलो यार देखते हैं लक्सी कितना टाइम लगता है यहाँ पे। बाकी भैया काम अच्छा कर रहे हैं, देखते हैं लग रहा है। एक बार सुनो मतलब इससे मतलब इसके अंदर पानी डालने से और इसको डालने से फिर वो ठीक हो जाएगा, जम जाएगा? अच्छा अच्छा मतलब इसको मतलब इसको गाड़ने के लिए। तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मतलब जो ये होल है ना, होल के अच्छा अच्छा इसके अंदर व्हाइट सीमेंट और भूरा इंक्लूड किया है मतलब। तो भाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि बूरा और व्हाइट सीमेंट से ना उसको ना जमाया जा रहा है। बूरे से जमाया जाता है कि मम्मी वो पता नहीं, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। देखते हैं चलो यार वो कितना अब जब बोल ले तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। ये वो दे प्लेट दिमाग प्लेट जतिन से बात हुई एक्चुअली भैया के जितने गया माओ वाली साइड क्योंकि मामी ने उसको बुलाया था कुछ काम के लिए। बाकी मतलब अच्छा एडमिशन के लिए गया? हाँ तो जतिन गया है वहाँ पे बन्नी के एडमिशन, क्योंकि बन्नी का एडमिशन 1 ही है ना स्कूल के अंदर, तो बस वो उसके पास गया हुआ है। बाकी लो भैया थोड़ा दे दो, कम दे दो, खराब हो जाएगा। अच्छा लॉक अपने हिसाब से निकाल लीजिए जितना आपको चाहिए। हाँ हाँ वो भैया निकाल ले, मैंने उनको दे दी जितनी उनको जरूरत। तो भाई सीन क्या है कि अभी मैं जा रहा हूँ यार, मेरे ना बाल बहुत बड़े हो गए हैं क्योंकि क्या होता है कई बार मेरे को वीडियो बनाते हुए भी काफी दिक्कत होती है तो आंखों के सामने आ जाते हैं। देखो कितने बड़े हो गए मेरे बाल, यहाँ तक आपको जैसे दिख रहा होगा। तो काफी टाइम से मैं सोचू कि मैं बाल कटवा लूँ, तो बस अब जा ही रहा हूँ। मम्मी यहाँ बैठी हुई है, जतिन है नीचे। बाकी अब आप लोगों को थोड़ा नया लुक लगेगा, जब से हम लोगों ने घर लिया था ना तो उस वक्त से हम लोगों ने क्या किया था मतलब जब से रेलिंग लगवाई नहीं थी तो अब नई लुक देखने को मिलेगी आप लोगों को। बाकी चलो देखते हैं कितने घंटे में ये काम होता है। बाकी मैं जा रहा हूँ अभी बाहर, उसके बाद अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई देखो घर पे कौन आया हुआ, बन्नी। और बन्नी ठीक हो बाबू? क्या देख रहे हो? कार्टून। कौन सा देख रहे हो? ये वाला मूसा तनवीर नहीं देखते अब आप? मूसा तनवीर अच्छा दिखाना। रुद्र भैया ने क्या कर दिया आपके हाथ में, दिखाओ मेरे को एक बार, दिखाओ दिखाओ बैठ के दिखाओ। और चोट लग गई देखो अब इसकी, जैसे ये खेलते खेलते इन्हें चोट लग गई। सीधे करो सीधे सीधे कर देखो किससे। खींच दिया पैर और फिर मेरे कैसे खींच दिया पैर मेरे में भी उलझ गई थी उंगली। अच्छा और ये पैर में भी फिर उन्होंने खींचा ना जो मेरे लग। अच्छा पैर कैसे खींचा था बताना ऐसे? अच्छा
तो फिर कोई नहीं बाबू, दवाई वाई ले लेना, चलो फिर, है नी। अभी आ रहा हूँ मैं, कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक क्यों गए? बाल कटवा ले विपुल भैया, बाल कटवा के आ रहा हूँ मैं। सी बाल कटवा, ये हटवाऊ दाढ़ी है अपनी पसंद से करवाऊ? चल ठीक है फिर मैं जाऊ, है जाऊ ना। चल ठीक है, अभी कुछ चाहिए होगा तो बता दियो, जतिन भैया ऊपर है उन्हें आवाज लगा लियो, ठीक है बाबू। चल देखो आराम से, बाकी चलो फिर चलते हैं। अब एक बार इनको कोल्ड ड्रिंक दे दो, कोल्ड ड्रिंक देने के बाद मैं जाऊंगा सैलून पे। बाल वाल थोड़ा सा दिख रहा आप लोगों को, थोड़े बड़े हो रखे, तो चलो फिर सीधा वहीं जाके मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सैलून पर, और इन भैया बोल रहे कि तुम्हारे अच्छे से बाल काट देंगे। क्यों भैया? नाम क्या भैया आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार, तो भाई चलो अब भैया ने बोला कि थोड़ी देर मेरे बाल काट देंगे, बाकी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ टाइम लैप पे। चलो फिर बाल कटवाने के बाद मिलते हैं, बाकी मेरे को क्या है कि शेविंग भी करवानी है और बाल भी मेरे को कटवाने हैं। तो चलो अभी टाइम हो गया है दोपहर के, 1:30 बज चुके हैं। सो गाइस फाइनली मेरे बाल कट चुके हैं और बिट्टू भाई ने बहुत अच्छे मेरे को सर्विस दी। और भाई एक बार मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये देख सकते हो, एक बार मैंने अपनी थोड़ी दाढ़ी वगैरह भी करवा ली और थोड़े बाल भी करवा ली। भैया बोल रहे हैं क्या नाम कि मेरे को ना थोड़ा हेयर स्पा कराने की जरूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरे बाल ना काफी हल्के हैं और ऊपर से मेरे यार ये बाल यहाँ से ना उड़ते जा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने यहाँ से दिख रहा होगा इस जगह से मेरे बाल उड़ते जा रहे हैं। बाकी चलो कराऊंगा, मैंने बोला, मैंने कहा भैया शादी है अभी कुछ टाइम बाद घर में मेरे भाई की, तो उसके बाद मैं कराऊंगा। बाकी चलो फिर एक काम करते हैं, अब चलते हैं घर पे, भैया को अपना पे वगैरह करके फिर निकलते हैं। बेटे भाई लो, ओके भैया थैंक यू। सो गाइज एक चीज, तो गाइज एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भाई मेरे रामनगर साइड में रहते हैं वो यहाँ से कटिंग करा सकते हैं। ये मैं आपको एक बार, मैं बाहर की साइड से मैं एक बार आपको बोर्ड वगैरह दिखा दूंगा और नेविस में बता दूंगा क्या है। इसके जस्ट बगल में वृंदा रेस्टोरेंट है, हाँ तो उसके बगल में है, और वहीं से जस्ट थोड़ा सा आगे चल के वहीं पर इनकी शॉप है। काफी अच्छी, मतलब इन्होंने सर्विस की और काफी बढ़िया भी लग रही है। आप लोग भी बताने नीचे तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। ओके भाई थैंक यू। अरे मैं पैर भूल ही गया। चलो यार चलते हैं, बाकी एक बार मैं आपको इनकी शॉप दिखा देता हूँ। ये शॉप पूरी ये वाली है यहाँ से, और ये शॉप है, शॉप का नाम ये है, और नंबर वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख के रोक के देख लेना। बाकी जो जस्ट बगल में है वो है यहाँ पे वृंदा रेस्टोरेंट। बाकी चलो यार अब घर चलते हैं, घर जाके पता लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि घर पे रेलिंग भी लग रही है ना जैसे आप लोग जानते हैं। चलो फिर घर पर, और बस अभी अभी मम्मी बोल रही थी कि तेरे बाल ज्यादा बड़े हैं। जितने बड़े लग रहे थे बाल मेरे, ठीक लग रहे हैं ना? तो बड़े दिखाई दे। मम्मी को तो बस ये जब तक बिल्कुल टाट से मिलते ही नहीं है ना, जब तक इनको बड़े दिखते हैं, जब तक कहते हैं कि नहीं, जब कटे बाल जब तक टाट बिल्कुल दिखने लगती है। तो गाइस एक काम करते हैं, चलो फिर अभी मैं आया हूँ घर पे, और अभी एक बार मैं आपको ऊपर का काम दिखाता हूँ। कितना हो गया काम ऊपर का? ऑलमोस्ट हो गया। और टाइम अच्छा हो गया, मतलब वो कहाँ गए बंदे? लंच पे गए। तो भाई वो बंदे गए अभी लंच पे। बाकी चलो मैं भी सोचूं क्या ना, मैं एक फटाफट जाके थोड़ा नहा धो लूं, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो काम हुआ है ऊपर का कितना हुआ है कितना नहीं। बाकी यार ऑलमोस्ट हो गया है, देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पूरा तरीके से अच्छे से काम हो गया है। ये देखो बस ऊपर की भी लग गई, ये थोड़े थोड़े कुछ पार्ट्स रह रहे बीच के, जैसे ये वाला रह रहा है और ये वाला रह रहा है। बाकी चलो देखते हैं कब तक होता है रेडी, बोल लेगी शाम तक रेडी हो जाएगा, मैक्सिमम 5-6 घंटे का काम है बोल रहे। बाकी चलो फिर एक काम करते हैं, थोड़ी देर मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस दोपहर के बज चुके हैं इस वक्त,
3:30 और बस हम लोग खा रहे हैं खाना। यहाँ पे मम्मी ने बनाया है ये दाल चावल और ये लड्डू और हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। बाकी वो अभी जो भैया गए हुए थे ना, मतलब वो रेलिंग लगाने वाले, तो वो भैया अभी भी आए हैं, तो बस वो भी लंच करके आ गए, पर लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं लंच। बाकी चलो खाना वाना खा रहे, अब हम लोग देखते हैं ऊपर, फिर ऊपर जाता हूँ मैं खाना खाने के बाद, क्योंकि अभी फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, क्योंकि ऊपर जाके मेरे को देखना, भैया बैठे हैं ना वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको देखना पड़ेगा किस चीज की जरूरत ना पड़ जाए, अब पड़ेगी तो फिर बैठना पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, फिर भी देखता तो रहूंगा कि हाँ क्या चीज हो रही है, किस तरह से हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही डेलिंग में। बाकी चलो फिर ये वाली निकाल दो ना भैया। तो भाई शाम के बज चुके हैं इस वक्त 7:30 और बस हमारा क्या नाम है रेलिंग का काम हो चुका है, ऊपर लग गई है। बाकी हमने ये सोचा बस ये तो ऊपर अब हम थोड़ा सा चूड़ी की समस्या है ना, थोड़ा सा उस चीज को ठीक कराने के लिए ये हमने ये इसको हटावाना पड़ा। ये देखिए भैया इसको और ऊपर डाल डाले इसको, ठीक चलिए शुरू करते हैं। हाँ निकल रहा है, निकल रहा है, अब निकल रहा है, निकल रहा है। देखो इसके अंदर तुम 20 करने के लिए घुसने देखो अरे भैया ना रखो मार दे इसको बाल बोल के रखो मार दे इसको बाल बोल के ये तो पकड़ाओ ना वो भाग जाएगा। एक मिनट रुको ये मैं पैक के मारना किसी के बाद खिड़की खोल लेना खिड़की हाँ ये खोलो भाई दूर फेंक देना उनका ले वरना घर में कुछ जाते। अच्छा खिड़की खोल लेते ना। अरे वो ये खिड़की अच्छा अरे यार इतना साइज हुए बीवी बच्चे भी छोड़ रखे उसने ना। अरे भाग रहे मोटे मोटे हो गया। अरे यार खोल खोल जाती है ऐसे खींचो खींचो वो अरे फेंक देना। अरे यार मर गया मरने तो थे। ये देख सकते कितना बुरा हाल कर रखा हमारे घर में चूहों ने। बताओ यार और देखो ऑलरेडी ये देखो सामने अरे दो हो रहे और बड़े बड़े इसके अंदर। हाँ वो बोले ये देखो ये देखो और ये रहा है देखो ये देखो स्पाइडरमैन बन चुका। अरे अरे भैया बस अरे बस ओए ओए भाई चोट लग जाएगी। ओ भाई साहब चूहे के अंदर स्पाइडरमैन की आदम आते हुए देख रहे हो आप भाई भाई बाजीगर है। अरे भाई देखो 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 भाई किसी को सर्कस में भर्ती होना हो तो बता देना ठीक है तुम दोनों में से। ओ भाई चोट लग जाएगी तेरे पास वैसे भी सेफ्टी बेल्ट ही नहीं है।
देखो देखो ये देखो भाई, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो आप लोगों को जैसे छोटे छोटे चूहे दिख रहे होंगे, इनके बच्चे, इनकी माँ इतनी मोटी है ना भाई, इतनी मोटी मैं भी डर गया उसे, और इतनी मतलब वहां की साइड में उस जगह, और अभी दो चूहे वो नहीं इसकी माँ वो रही दिख गई आपको। और भाई ये अपने बच्चे को बचाने आई है, क्या करूं पल्ले की। रुको गया वो, आ जाओ। अरे मुझे नहीं पता, अरे गया, अब नहीं आएगा कोई। सो गाइस, रात के बच्चों के हैं 10 और बस हम लोग खा रहे हैं अब खाना। और खाने में क्या है, खाने में आज हैगा, हम लोग लेके आए थे बाहर से, और बाहर से हम लोग क्या लेके आए थे, आज लेके आए थे हम लोग, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, ये हम लोग लेके आए थे मलाई चाप लेके आए थे, क्योंकि गाइस क्योंकि ना जो मिस्त्री लगे हुए थे ना वहाँ पे, जो मतलब रसोई की उधर लगे हुए थे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किचन के उधर की साइड, वो काम कर रहे थे, तो उधर की साइड ना सारा प्लस्तर कर रखा, और वो जो सिलेंडर था ना काफी मतलब वो बाहर सेटिंग कर रखे, तो इस वजह से मम्मी कह रही कि थोड़ा खाने वाने में दिक्कत होगी, फिर बनाने में थोड़ी सेटिंग बिगड़ी हुई है, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अब बाहर से खाना मंगा लेते हैं, और क्यों खावागा मम्मी को परेशान करना। तो गाइस आप लोगों को ये वाला ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, तो प्लीज इस ब्लॉग को नीचे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ये चीज बता दे कि आपको कौन सा वाला शॉर्ट सबसे ज्यादा फनी लगा, जो चूहे वाला शॉर्ट है, तो आप एक बार देख के बताना नीचे कौन सा शॉर्ट कितना अच्छा लगा। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।